ये कैसे अदाकार जिनकी मुस्कुराहट भर आपको हंसा दे और जब ये एकदम खामोश हो जाए तो आप हंस हंस के लोटपोट हो जाए। ये है लेजेंडरी रजेंद्रनाथ। रजेंद्रनाथ साहब का जन्म 8 जून 1931 में टीकमगढ़ स्टेट में हुआ। ये वो वक्त था जब हिंदुस्तान में राजशाही थी। भारत विभाजन के बाद रजेंद्रनाथ का टीकमगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा बन गया। रजेंद्रनाथ साहब के पिताजी तारनाथ रीवा स्टेट के आईजी ऑफ पुलिस थे। उनकी फैमिली बहुत बड़ी थी। 8 भाई 4 बहनें थीं। के सबसे बड़े भाई रहे प्रेमनाथ। दूसरे नंबर पर आए रजेंद्रनाथ। रजेंद्रनाथ साहब की पढ़ाई रीवा शहर में ही हुई। वहाँ पर ये FSC तक पढ़े। उसके बाद इरादा था कि ये डॉक्टर बने। हालांकि रजेंद्रनाथ अपने बड़े भाई प्रेमनाथ के काफी नजदीक थे, लेकिन बचपन में प्रेमनाथ साहब इनके खूब क्लास लिया करते थे। ये दोनों भाई सेंट जॉन स्कूल में पढ़ा करते थे। इनके वालिद इन्हें एक आना दिया करते थे खर्चे के लिए। उस जमाने में एक बच्चे के लिए एक आना बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। इनके बड़े भाई इनकी पटाई करके इनसे आधे पैसे ले लिया करते थे। कुछ दिन तक ये चलता रहा, लेकिन फिर रजेंद्रनाथ ने अपने वालिद साहब से शिकायत की और फिर सब ठीक हो गया। रीवा शहर से इनकी फैमिली आ गई जबलपुर में। बड़े भाई का मनमुटाव अपने वालिद साहब से रहा, चले आए मुंबई शहर अपने आप को फिर हिंदी फिल्मों का हिस्सा बनाने, जहां एक तरफ प्रेमनाथ पृथ्वी थिएटर का हिस्सा बने, वहीं पर छोटे भाई रजेंद्रनाथ भी घूमते फिरते पहुंच गए मुंबई और सोचा क्यों ना बड़े कॉलेज में दाखिला लिया जाए। जो होना था सो हुआ। इनकी दिलचस्पी अदाकारी की तरफ बढ़ी और ये एक थिएटर ग्रुप का हिस्सा बन गए। बाद में चलकर इन्होंने पृथ्वी थिएटर की मेंबरशिप ले ली। ये वो वक्त भी था जब ये ऑल इंडिया रेडियो और रेडियो सैलोन के लिए रेडियो नाटक में काम किया करते थे। फिल्मों में जब रजेंद्रनाथ का संघर्ष शुरू हुआ तो इनके बड़े भाई प्रेमनाथ और इनकी बीवी बीना रॉय दोनों ने इनकी खूब मदद की। रहने को घर दिया, खाना दिया और सबसे जरूरी चीज बहुत प्यार दिया। इनके बड़े भाई इनको फिल्मों में काम दिलवाने की कोशिश भी करते रहे, लेकिन कामयाबी इनसे दूर भागती थी। ये वो वक्त भी था जब इनके वालिद चाहते थे कि ये किसी तरह से जबलपुर वापस चले जाएं। जब भी कोई जबलपुर से मुंबई आता तो इनके वालिद का पैगाम लेकर आता और कहता कि रजेंद्रनाथ चलो वापस जबलपुर चलो, यहाँ क्या रखा है। जो जिद ठान ली रजेंद्रनाथ ने वो ठान ली। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपने बड़े भाई का घर छोड़ा और छोटे से गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो गए। उस दौर में ये स्कूटर से सफर किया करते थे और जब कामयाबी इनके हाथ लगी इन्होंने एक स्पोर्ट्स कार खरीद ली। छोटी बड़ी फिल्मों में ये छोटे मोटे रोल करते रहे, जैसे शरारत, रूप की रानी, चोरों का राजा, मिस इंडिया, हम सब चोर है। लेकिन इन्हें जबरदस्त रोल्स नहीं मिल रहे थे। इनके बड़े भाई प्रेमनाथ ने ये फैसला किया क्यों न फिल्म बनाई जाए, जिसका नाम रखा प्रिजनर ऑफ गोलकोंडा। इस फिल्म के हीरो रहे प्रेमनाथ और रजेंद्रनाथ साइड हीरो आगा ने कॉमेडियन का रोल प्ले किया था, कि ये फिल्म चली नहीं। उसके बाद ऐसी फिल्म आई जिसने रजेंद्रनाथ साहब की किस्मत पलट दी। ये फिल्म थी दिल दे के देखो, जिसे नासिर हुसैन साहब ने बनाया। उसके बाद आई जब प्यार किसी से होता है। ये फिल्म भी नासिर हुसैन साहब की ही थी। इन्होंने पोपट लाल का किरदार निभाया। ये किरदार इतना मशहूर हुआ, ये नाम इनके साथ जुड़ गया। जब भी ये कभी विदेश जाते तो लोग इन्हें पोपट लाल कहकर पुकारते। रजेंद्रनाथ साहब शम्मी कपूर साहब के गहरे दोस्त थे, फिर रिश्तेदार भी बने। राज कपूर साहब ने इनकी बहन कृष्णा से शादी की। इस तरह से रजेंद्रनाथ रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, राजीव कपूर के सगे मामा हैं। कलर्ड फिल्म रही हो या ब्लैक एंड व्हाइट, ये हमेशा हमें हंसाते ही रहे हैं। पर एक हादसे ने इनकी हालत खराब कर दी। एक बार गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, इनके साथ इनके कॉमेडियन दोस्त बीरबल थे और इनके मैनेजर, दोनों सो गए और इसी चक्कर में रजेंद्रनाथ साहब भी आंख लग गई और गाड़ी आगे जाकर एक ट्रक से टकरा गई। किस्मत अच्छी थी कि तीनों बच गए। कॉमेडी में इन्होंने ऐसी टाइमिंग दिखाई कि कोई और कलाकार इनके आस पास भी नहीं पहुँचा। ये बात यकीन के साथ कही जा सकती है कि रजेंद्रनाथ साहब सिर्फ सीन में आना ही आपको हंसा देता था। 13 फरवरी 2008 एक अलग ही दिन बन के सामने आया। सबको हंसाने वाला कलाकार रजेंद्रनाथ दिल का दौरा पड़ने की वजह से दुनिया छोड़कर चला गया। भारतीय सिनेमा के इतिहास में रजेंद्रनाथ साहब का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा।